Hello guys, welcome back to another video on the Retro guys. I'm in Bangalore. I guess ये पांचवा छठा video होगा Bangalore से. And this is going to be the first video जहाँ पर मैं intro proper way में दे रहा हूँ. इसके पहले मैंने किसी video में proper intro नहीं दे पाया था. As I said before कि मैं किसी काम से आया था यहाँ पर. And obviously जो time मुझे extra मिल रहा था, I was trying to explore some places on the bike. तो डायरेक्टली मुझे बाइक पे ही स्टार्ट करना पड़ रहा था वीडियो. बट आज का दिन थोड़ा सा ऑफ डे था मेरे लिए. सो आई हैव डिसाइडेड टू विजिट अ प्लेस इन बैंगलोर जिसको यहाँ पर कहा जाता है बाइकर्स का हब होता है. एंड बेसिकली वहाँ पर आपको पूरा एक मार्केट लगता है बाइक के एसेसरीज का. एंड मैंने बहुत सुना है उसके बारे में. सो चलो जाते हैं वहाँ जाके, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द मुंबई और बेंगलोर में, उन प्रोडक्ट्स में प्राइस डिफरेंस क्या है. तो चलो निकलते फटाफट, माय बाइक इज रेडी, मैं भी रेडी हूँ, फटाफट जाते देखते हैं वहाँ पर क्या है. ऑल राइट, तो लोकेशन डाल दिया हमने मैप में एंड वी आर रेडी टू गो. द लोकेशन जा रहे हैं वो है जेसी रोड एंड दैट इज द प्लेस जहाँ पे बाइक के सारे एसेसरीज आपको सस्ते भाव में मिलते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं ऐसे ही गूगल कर रहा था तो आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्लेस. तो भाई अगर बाइक की एसेसरीज कहीं सस्ते में मिल रही हैं वहाँ जाना तो बनता है ना बॉस. तो जाके देखते हैं क्या है कैसा है. एंड एनी वेज बेंगलोर का क्लाइमेट एज यूजुअल काफ़ी प्लेजेंट है फिलहाल, बट आई एम श्योर शाम होते होते वही विंडी रेनी सब चालू हो जाएगा यहाँ पर. एंड दैट्स हाउ इट इज़, पीपल यहाँ पर बोलते हैं कि बस 9-10 महीने क्लाइमेट का कुछ अता पता नहीं होता है. कभी गर्मी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, बारिश हो जाती है, विंडी हो जाती है. तो बोले यार सही है. एनी वेज हम निकल चुके हैं एंड आई जस्ट होप कि अपने को बारिश आई जस्ट होप कि अपने को ट्रैफिक ना मिले. बट अगर मिला भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो हैं बाइक पर हैं तो हम लोग लेफ्ट राइट मार के निकल जाएंगे. एंड मुझे बाइक जो है अभी कम्प्लीटली जम चुकी है. सो आई हैव टेकन अ हॉल्ट ऑन अ पेट्रोल पंप. पेट्रोल नहीं भराना है अपने को, हवा भरवाना है बाइक पे, हवा कम लेकर ही. और एक चीज़, मैं कैमरा एंगल ट्राई करना चाहता हूँ एक नया. सो वो भी हम लोग अभी चेंज कर लेंगे इसी बहाने यहीं पर. यस ओके, सो दिस इज़ द कैमरा एंगल जो मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि पूरे ब्लॉग में अभी तक मेरे अपना फेस ठीक से दिखाया नहीं है. सो फॉर फ्यू सेकेंड्स सहलो सहलेंगे थोड़ा सा. ओके, सो जस्ट एन अपडेट गाइस, मैं अगले 10-15 मिनट्स में आई विल रीच जेसी रोड जहाँ मेरे को जाना है. फिलहाल मैं किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाजू से निकल रहा हूँ. एंड एनीवेज, सो जैसे मैं बता रहा था कि आप बेंगलोर में कहीं भी चले जाओ आपको ग्रीनरी हर जगह मिलेगी, विच इज़ क्वाइट नाइस एंड क्वाइट रेयर कि भाई सिटीज़ में आपको ग्रीनरी हर जगह मिल जाए. बिकॉज अपने मुंबई में आई डोंट थिंक देर इज़ एनी सच प्लेसेज जहाँ आपको हर जगह ग्रीनरी मिले. बाकी यहाँ पर अभी तक मैं जितने भी जगह गया हूँ लास्ट 5-6 डेज में, ग्रीनरी हर जगह पे प्रेजेंट है, विच इज़ रियली रियली ग्रेट. रुक जा स्विफ्ट से रुक जा, निकल निकलने दे बाबा. हाँ तो मैं वही कह रहा था कि अरे भाई भाई, यू कैन नॉट विन विद ऑटो वालास इन एनी सिटीज. आप किसी भी सिटी में रहो आप ऑटो वाले से कभी जीत ही नहीं सकते. तो अपने गूगल के हिसाब से आगे से राइट लेना है एंड हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, विच मीन्स कि आगे से राइट. लेकिन राइट के लिए सिग्नल ट्रैफिक, अरे यार 20 मीटर्स दूर हूँ मैं यार, फिर भी ट्रैफिक सीरियसली. एनीवेज, तो हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए, आगे से राइट लेना है और अपना जेसी रोड चालू हो जाएगा. मेरे हाथ की पूरी तरह बैंड बच चुकी है विदाउट ग्लव्स के. इट्स रियली डिफिकल्ट टू ड्राइव विदाउट ग्लव्स. निकल जा निकल निकल. ऑटो भाई क्या कर रहा है, अरे निकाल यार निकाल. निकल जाएगा निकल जाएगा निकल 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 जाएगा. हाँ
तो निकल चुके हम लोग और जो लेफ्ट में जो यहाँ पर है दिस इज़ व्हाट जेसी रोड इज़ ऑल अबाउट। यहाँ से काफ़ी बड़ा जगह है, आपको यहाँ इसके पीछे पूरे रोड्स में आपको बाइक और कार के ऐसे ऐसे सामान मिलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, तो मैं हर शॉप पर जाके वीडियो बनाना मुश्किल है, तो मैं जिस शॉप पर जाने वाला हूँ वही शॉप पर जाऊँगा मैं। एंड ऐसे यहाँ पर लोग जो है आपको पहले ही रोकना चालू कर देंगे। सो बेटर एक काम करता हूँ कि मैं कोई अपने गाड़ी के लिए पार्किंग देख लेता हूँ और जिस शॉप पर मेरे को जाना है वो शॉप पर ढूंढ लेता हूँ और फिर मैं आपको डायरेक्टली उसी शॉप पर मिलता हूँ। ओके राइट। तो दुकान तो देख लिया आपने, बहुत सारे सामान है भाई। आई गेस बाइक के ए टू जेड एसेसरीज यहाँ पर। मुझे जो चीज़ लेनी थी मैंने उनको बता दिया है, सो दे आर गेटिंग द स्टफ्स आउट फिलहाल। और जैसे मेरा सामान जैकेट भी है यहाँ पर, एज यू कैन सी हज़ार लाइट्स वगैरह, हज़ार फ्लैशर जिसको हम बोलते हैं। आई गेस मेरा सामान आ चुके हैं, तो अभी मैं आप लोग को अपना सामान दिखाता हूँ। सो मैंने लिया है स्कॉयको का नी गार्ड, बोया बोयो वट एवर इट इज़ का मोबाइल होल्डर, एंड दिस इज ब्रेक ऑयल कैप, ब्रेक ऑयल कैप और अल्पिन स्टार का ग्लव्स लिया है मैंने। ऑलराइट गाइस, सॉरी वो पार्ट के अगर मुझे वीडियो बंद करना पड़ा था क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी और मुझे वो सामान लेके बैग बना के निकलना पड़ा था, और मैंने मेरे गोप्रो का जो है केस भी नहीं लेके आया था जो कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। वाटरप्रूफ केस नहीं लाया था, मुंबई में भूल गया था मैं उसको। एंड जो मैं सामान लिए हैं यहाँ से, मैं उनका एक काम करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैं उनको डाल दूँगा कि मुझे वो कितने प्राइस में पड़े हैं, और राइट हैंड साइड में उनका मैं प्राइस एक कंपैरिजन दूँगा आपको अमेजोन पे वही चीज़ कितने का अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ मुझे मेरे मुंबई साइड से, तो या डेफिनेटली मुझे आराम से 40-50% का प्राइस में डिफरेंस फील हुआ है। और जैसे मैंने कहा था शाम होते होते बारिश हो जाएगी, ठंड चालू हो जाएगी, एग्जैक्टली वही हुआ है। बेंगलोर में चलते रहता है फिलहाल। हम लोग जो है लोकेशन देख लेते हैं एक बार कि हम लोग को जाना कैसे है, रूट चेक कर लेते हैं। सीधा कम्प्लीटली स्ट्रेट दिखा रहा है गूगल, नो रेड मार्क, बहुत अच्छी बात है। इतनी बारिश में ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, दैट इज़ द लीस्ट थिंग दैट आई वुड वांट। और अब फटाफट से निकलते हैं, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि मैं और ज़्यादा भीग जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी भीग चुका हूँ। बारिश नहीं होगी, चलते जाएंगे तो सूख जाएंगे, और गलती से बारिश दोबारा हो गई तो भैया फिर से भीगना पड़ेगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। वैसे कुछ खास है नहीं दिखाने लायक रोड पर, बारिश ही बारिश है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को टाइम लैप्स मोड पे लेके जाते हैं राइट नाउ।
सो गाइस जस्ट एन अपडेट कि बारिश अभी भी चालू है एंड इट्स ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम है, बट अगर आप देखोगे दिखने में कुछ 7:30 लग रहा है। बारिश अभी भी चालू है, मौसम बहुत बिगड़ने वाला है और मुझे निकलना भी इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे घर से कॉल आ गया था कि भाई मौसम बिगड़ रहा है, तुम जहाँ भी हो घर पे आ जाओ, देयर इज़ नो नीड, अगर आपका काम हो चुका है सो प्लीज़ कम बैक होम। तो इसलिए हम लोग घर के लिए निकल चुका हूँ और ऑलमोस्ट पहुँचने वालों 15-20 मिनट में जो है मैं घर पहुँच जाऊँगा। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं रास्ता ना भटक जाऊँ क्योंकि मेरे बाइक पे जो है मोबाइल माउंट नहीं है, तो मुझे बार बार जो है अपने पॉकेट में से मोबाइल को निकाल के दिखना पड़ रहा है। बट एनीवेज पहुँच जाएंगे घर पे डायरेक्टली, तो काम करते हैं एक बार फिर से चले जाए टाइम लैप्स मोड पर। तो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाऊँगा, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो का अगर देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस विद अनदर वीडियो वेरी सून, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। और अभी मैं चलता हूँ, मैं बारिश के मज़े लूँगा बैंगलोर के विथ माई कॉफ़ी।